to my YouTube channel. कुदरती मनाजिर से इंस्पायर होना एक फितरी अमल है, मगर मुझे लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही इंस्पायर्ड हूँ जो इस दफ़ा एक जंगल घूमने का प्लान बना लिया। फॉरेस्ट की एंट्रेंस बहुत ही पीसफुल और पुरसकून थी, लग ही नहीं रहा था कि ये कोई हम लोग जंगल में आ गए हैं। उसकी वजह शायद यही है कि ये मैन मेड मिनी फॉरेस्ट है। ये जो खूबसूरत सी बहती हुई नहर आप देख रहे हैं, ये फुलेली नहर कहलाती है। कोठरी बैराज से स्टार्ट होती हुई बदीन डिस्ट्रिक्ट तक आती है। मेरी लाइफ का ये दूसरा फॉरेस्ट है, दूसरा जंगल है जो मैं विज़िट कर रही हूँ। इससे पहले मैं एक और जंगल घूम चुकी हूँ जिसका नाम है म्यानी फॉरेस्ट, वो भी सिंध में ही है। और ये फॉरेस्ट जो है मीर मिनी फॉरेस्ट, ये मैन मेड फॉरेस्ट है और इसको देख के ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा मेहनत और लगन से इसको बनाया गया है। हाँ जी, आप सोच रहे होंगे कि जंगल में ज़रूर जंगली जानवर भी होंगे, शेर भी हो सकता है और सांप भी हो सकते हैं। तो बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल होंगे, मगर हमें इसलिए नहीं नज़र आए कि हम एक तो थोड़ा रोशनी में गए थे और शाम होने से रात होने से पहले वापस आ गए थे, और दूसरा ये था कि हम बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ नहीं गए थे। मगर हमने यहाँ पर कुछ खूबसूरत से परिंदे देखे और उनकी मीठी सी आवाज़ें भी सुनी। यहाँ एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये कि इन्होंने परिंदों के पानी पीने के लिए छोटी छोटी पॉट्स रखी हुई थी जगह जगह पे। कितने एकड़ अंदर फैला है पूरा? 5.5। अभी इस वक्त शाम के 6:30 बज रहे हैं। इसे क्या कहते हैं ये देखें, ये क्या चीज़ है? वो केड़ा केड़ा वाणा ही थे? जलेबी, गुलमोर, सुखचैन, ग्रीन फ्रूट, मीठा लगल है। हाँ, मीठा मीठा भाई। अच्छा, ही सामू कुछ लगेले? ही लालटेन जो गुला है, ही कचनार जो वणा मते जो फल लगेले। हम जाएंगे रमज़ान का चांद देखने आज, क्योंकि रात हो चुकी है, अब सूरज ग़ुरूब हो रहा है।